हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम साहब सर। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कोई भी डिजिटल पोर्ट्रेट अच्छे से पेंट कर सकते हैं। तो इस पोर्ट्रेट को मैंने बनाया यूजिंग वैकम टैबलेट जो कि मैंने नया नया ख़रीदा है। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मेरे पास पहले से ड्राइंग बना हुआ है, उसी के ऊपर मैं कलर कर रहा हूँ और इसी प्रोसेस को आप इसमें अच्छे से टाइम लैप्स वीडियो में देख सकते हैं। और मैं आज आपको थैंक यू भी करना चाहूँगा क्योंकि मेरे अभी बहुत ही रिसेंटली 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं और आई एम रियली हैप्पी दैट 2000 सब्सक्राइबर मैं पहुँच पाया। थैंक यू टू एवरीबडी हु सब्सक्राइब मी एंड देर आर मैनी मोर वीडियोज़ कमिंग बाई। सो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है कि कैसे मैं कलर करता हूँ किसी पोर्ट्रेट को डिजिटली यूजिंग माय टैबलेट, ताकि मैं कोई भी एक ग्राफिक क्रिएचर बना सकूँ, मतलब एक फेस का कैरिकेचर अच्छे से बना पाए। तो इस प्रोसेस में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप में सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग हो सकती है किसी भी पोर्ट्रेट की, और इसी एक प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो मैं एक टोन बैकग्राउंड पे फ़ोटो को देखकर सारे लाइट एंड शेड्स को उसमें सबसे पहले फेस में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद हम सारे डिटेल्स को उसमें स्कल्प्ट करके लास्ट में सारे डिटेल्स और थोड़े से ग्लेजिंग टचेस देके पूरा एक फेस बना लेंगे। तो इसी प्रोसेस को आप इंजॉय कीजिए और देखते रहिए ये वीडियो टिल द एंड। सो Yeah.